वेलकम टू स्टडी क्लासेस। ट्वेल्थ फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन चल रहा है और वैद्युत चालन में हम लोगों ने कल आई और वीडी यानी विद्युत धारा और अनुगमन वेग या अपवाह वेग में संबंध की चर्चा की। वहीं पर आपने धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच संबंध की भी चर्चा की गई। इसी क्रम में आपको पढ़ना है मोबिलिटी यानी गतिशीलता। आज हम गतिशीलता की चर्चा करेंगे, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत चालकता की चर्चा करेंगे यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है आप पढ़ चुके हैं नाइन्थ में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है इसकी चर्चा करेंगे, ओम्स लॉ क्या है बहुत महत्वपूर्ण भी है और आप इसको भी पढ़ चुके हैं, ओम्स लॉ की चर्चा हम यहाँ करेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है इसकी बात हमको करनी है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकता क्या होती है इसकी भी चर्चा हम आज करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में दो तीन प्रूफ हैं, तीन प्रूफ आप कह सकते हैं और उनमें से एक प्रायः एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वैद्युत चालन में गतिशीलता। गतिशीलता क्या है इसकी चर्चा करते हैं, मोबिलिटी। फिजिक्स में आपको ये भी ध्यान रखना है कि बिना नोट्स के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नोट्स आप अपना, हम पूरी थ्योरी बोल देते हैं, उसको आप बार बार वीडियो को पास करके सुन के थोड़ा सा बुक्स का सहयोग करके, तो किताबों की सहायता से, लेक्चर की सहायता से, इस वीडियो की सहायता से आप अपना नोट्स भी ज़रूर तैयार करें। नोट्स अगर आपके पास नहीं होगा तो मुझे लगता है कि आपको बहुत असुविधा होगी। तो मोबिलिटी क्या है यानी गतिशीलता क्या है, एकांक वैद्युत क्षेत्र में जो अपवाह वेग प्राप्त होता है किसी आवेश वाहक की गतिशीलता कहलाता है। गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं और म्यू बराबर होता है वी डी अपान ई। वी डी क्या है, कल बात की गई इसकी, वी डी माने अपवाह वेग। तो अपवाह वेग वह अपवाह वेग जो तब प्राप्त होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक हो जाती है। एक न्यूटन प्रति कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड में आवेश वाहक का जो अनुगमन वेग होता है वही आवेश वाहक की मोबिलिटी यानी गतिशीलता कहलाती है। हम कह सकते हैं कि किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है जो एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त होती है। एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त होने वाले अनुगमन वेग को हम उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। और VD का फार्मूला आपको बताया गया, आई अपान एन ई ए। VD इक्वल टू आई अपान एन ई ए ये बताया गया और आई अपान ए को आप जे पढ़ सकते हैं तो एन ई हो जाता है, इसलिए म्यू बराबर हो जाएगा जे अपान एन ई ई। मोबिलिटी का एक फार्मूला ये भी हो सकता है, जे न दिया हो तो आप जे के स्थान पर आई अपान ए रख सकते हैं और इसका जो मात्रक हो जाएगा म्यू का एस आई मात्रक, म्यू का एस आई मात्रक यहां से आप निकाल कर लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड इसका एस आई मात्रक हो जाएगा। आप चाहें तो इसको विमीय सूत्र में भी बदल सकते हैं, इसका विमीय सूत्र ज्ञात किया जा सकता है। मोबिलिटी हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, सदैव एक धन राशि होती है, माने धनात्मक मान इसका प्राप्त होता है, ये सदैव एक धनात्मक राशि है और आवेश वाहक की प्रकृति पर निर्भर करती है। मोबिलिटी का मान आवेश वाहक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये आपको याद रखना चाहिए, याद करने वाली बात है ये। अब हम बात करें वैद्युत प्रतिरोध अथवा तथा वैद्युत चालकता की। वैद्युत प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध का
आशय यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है। व्यवहारिक रूप से विभवांतर और धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है, V अपान आई या स्मॉल आई लिख लीजिए। V अपान आई जो होता है किसी चालक में वैद्युत विभवांतर जब लगाया जाता है तो धारा प्रवाहित होती है, तो वैद्युत विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है उसी को हम उस चालक का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं और R से प्रदर्शित करते हैं, R इक्वल टू V अपान आई। अब R का जो SI मात्रक होगा वो वोल्ट प्रति एम्पियर होगा और इसी को हम ओम कह देते हैं। R का SI मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर जिसे ओम कहते हैं। ये 9th और 10th की फिजिक्स पढ़िए, वहां पर आपको पढ़ाया गया है कि वैद्युत विभवांतर और वैद्युत धारा का अनुपात वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। वैद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फ्लो जो है, फ्लो ऑफ करंट जो है, जितनी वैल्यू है करंट की और पोटेंशियल डिफरेंस जो है, विभवांतर जो है और जो धारा है, उन दोनों का अनुपात जो होता है उसी को हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और यहाँ इसका SI मात्रक आप पढ़ सकते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा, इसे ओम भी कहते हैं, एक ओम बराबर एक वोल्ट प्रति एम्पियर। माइक्रो ओम, मेगा ओम, तमाम तरीके के और छोटे बड़े मात्रक हो सकते हैं। माइक्रो ओम यानी 10^-6 ओम, मेगा ओम यानी 10^+6 ओम, किलो ओम 10^3 ओम। तो इस तरीके से हम ये मान लिख सकते हैं। और अगर आप इसका विमीय सूत्र निकालें तो R का विमीय सूत्र, डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पर V का विमीय सूत्र और अपान I का विमीय सूत्र। V माने WYQ यानी जूल, ML2T-2 जूल प्रति कूलाम, कूलाम का होता है एम्पियर सेकंड और ये एम्पियर, यानी आपके पास हो जाता है ML2T-3A-2, ये वैद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र हो जाता है। और महत्वपूर्ण प्रश्न भी हो सकता है ये, वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा, इसका SI मात्रक और विमीय सूत्र, ये परिभाषा के लिए एक नंबर का ये सवाल महत्वपूर्ण हो सकता है। और मोबिलिटी भी एक नंबर में पूछी जा सकती है। तो ये मोबिलिटी की बात हुई, वैद्युत प्रतिरोध की बात हुई, अब हम बात करें वैद्युत चालकता क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी वैद्युत चालकता, वैद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसी को हम वैद्युत चालकता कहते हैं, यानी वैद्युत चालकता बराबर, वैद्युत चालकता बराबर 1/r, वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम वैद्युत चालकता कहलाता है। वैद्युत चालकता बराबर 1/r, मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स या महो कह सकते हैं। ओम लिखने के लिए हम OHM लिखते हैं, तो ओम इनवर्स लिखने के लिए इसको MHO पढ़ दिया गया, महो पढ़ा जा सकता है, यानी इसका SI मात्रक ओम इनवर्स अथवा महो होता है। इसी को हम साइमन भी कह देते हैं, जॉर्ज साइमन ओम जो थे उनके सम्मान में हम इसका मात्रक, वैद्युत चालकता का मात्रक साइमन भी कह देते हैं, यानी SI मात्रक क्या हो जाएगा, महो ओम इनवर्स अथवा साइमन। ये वैद्युत चालकता की बात हुई, विमीय सूत्र आप निकालना चाहें तो यहां से उलट जाएगा M-1 L-2 T3A2, यानी विमीय सूत्र क्या हो जाता है, यही लिख दे रहे हैं हम, M-1 L-2 T3A2, और ये आपका वैद्युत प्रतिरोध हो जाता है और ये आपकी मोबिलिटी हो जाती है। ये तीनों परिभाषाएं, तीन परिभाषाएं हो गई है, और ये तीनों आप नोट्स में अपने कंप्लीट करेंगे।
तीनों महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम्स लॉ क्या है, ओम का नियम, ये भी आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, नाइन्थ टेंथ में ओम्स लॉ दिया हुआ है कहीं। तो जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि अगर किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाए तो विभवांतर लगाने पर उसमें जो धारा प्रवाहित होती है, विभवांतर और धारा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वी समानुपाती आई होता है। तो जो जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि वी समानुपाती आई होता है, यानी जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें बहने वाली धारा के बीच एक संबंध होता है, और उस संबंध का जो सूत्र ओम ने स्थापित किया, जॉर्ज साइमन ओम ने स्थापित किया, उसे ही ओम का नियम कहते हैं। क्या सूत्र है वो, क्या संबंध स्थापित किया साइमन साहब ने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदलें, फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, भौतिक अवस्थाएं हैं, भौतिक राशियां हैं, वो नियत रहें, जैसे ताप नियत रहे, दाब नियत रहे, लंबाई न बदले, तो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर लगाया जाएगा वो उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी V बराबर आई आर, और V बटा आई को हम आर कह सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलती हैं तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर और धारा का अनुपात, उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, और इसे ही ओम का नियम कहा गया। इस नियतांक को चालक का प्रतिरोध कहा गया, चालक के प्रतिरोध की परिभाषा भी आप यही पढ़ चुके हैं, यानी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे ही चालक के सिरों के बीच, इसे जो ये अनुपात प्राप्त होता है, इसे ही हम चालक का प्रतिरोध कहेंगे। यानी चालक का प्रतिरोध क्या है, विभवांतर और धारा के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन ओम का नियम कुछ और है, ओम का नियम क्या है, यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे ही हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो इस प्रकार से V बटे I जो आया वो नियतांक आया, यानी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, कब, अगर चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदलें, ये ओम का नियम है, और विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं, ये प्रतिरोध की परिभाषा है। दोनों थोड़े से अलग हैं, आपको लगेगा दोनों एक है, दोनों अलग अलग हैं, विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदलें तो विभवांतर और धारा का अनुपात नियत रहता है, और जो ये नियतांक है इसे ही हम चालक का प्रतिरोध कह सकते हैं, यानी ये अनुपात जो नियत होता है, नियत मान है, ये चालक का प्रतिरोध है, वो बदल जाएगा अगर भौतिक अवस्थाएं बदल जाती। तो ये ओम का नियम हुआ, और ओम के नियम के अनुसार हम ये भी कह सकते हैं कि यदि भौतिक अवस्थाएं नहीं बदल रही हैं तो सिरों के बीच विभवांतर और धारा के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो हमेशा वो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जो मूल बिंदु से होकर जाएगी। इधर V ले लिया जाए और इधर I ले लिया जाए तो V और I के बीच अगर एक ग्राफ प्लॉट करें हम, तो V और I के बीच खींचा गया ग्राफ सदैव एक मूल बिंदु से जाने वाली सीधी रेखा प्राप्त होगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओम के नियम की उत्पत्ति करनी है अपवाह वेग के आधार पर या अनुगमन वेग के आधार पर, इसी को हम कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। दो प्रश्न यहाँ हमने चर्चा की, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल से ओम के नियम की उत्पत्ति, दूसरी बात अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, तीसरा प्रश्न भी यहीं पर है विभवांतर और अपवाह वेग में संबंध। तो ये तीन प्रश्न का एक ही उत्तर है, थोड़ा सा ढंग से देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये हो जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मानिए आप कि ये प्रतिवर्ष पूछा जाता है, निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाता है। तो क्या है,
हम कैसे प्रूफ करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल से? अगर एक हम चालक तार ले लें या एक चालक ले लें जिसकी लंबाई L है, उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद A है, उसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है और उसमें प्रवाहित आवेश जो है यानी इलेक्ट्रॉन जो है उनका अनुगमन वेग Vt है, तो आप अनुगमन वेग और धारा का संबंध ये पढ़ चुके हैं। यानी हमको क्या लिखना है, माना L लंबाई का एक चालक जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद A है, उसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vt है, तो धारा I बराबर NEABD। धारा I को हम NEABD लिख सकते हैं और E क्या है, E है इलेक्ट्रॉनों का आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम स्मॉल E से लिखते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाता है, यानी स्मॉल E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, I बराबर NEABD हो गया। अब हम अगर बात करें कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V है, यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V हो तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र E बराबर V by D होता है, क्योंकि यहाँ चालक की लंबाई L है इसलिए V by L हो जाएगा, और जहाँ वैद्युत क्षेत्र होता है वहाँ इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत बल भी कार्य करता है, तो जब वैद्युत बल कार्य करेगा तो उस वैद्युत बल का मान क्या होगा, F बराबर QE होता है, इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल, F बराबर QE, Q माने E, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, EV बाई L हो जाता है, L हो गया ये यानी चालक की लंबाई, इसलिए इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या होगा, A बराबर F बाई M, तो हो जाता है EV बटा ML, EV बटा ML ये इलेक्ट्रॉन का त्वरण हो जाता है। अब इसके बाद इसके पहले वाले लेक्चर की अगर हम चर्चा करें, बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर था, वहाँ हमने बात भी की थी कि औसत अनुगमन वेग शून्य होता है, तो तार के भीतर जब मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों से बार बार टकराते हैं तो टकराने के कारण उनके गत की दिशा बदलती जाती है, और गत की दिशा बदलने के कारण जो दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी होती है उसको मीन फ्री पाथ यानी माध्य मुक्त पथ कहते हैं, और दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को रिलैक्सेशन टाइम यानी श्रांति काल कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थित में किसी इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग नहीं उष्मीय वेग U1 है, तो टक्कर के बाद यानी टाऊ समय के बाद, श्रांति काल जिसको हम कहते हैं, टाऊ समय के पश्चात उसके वेग में ए टाऊ की वृद्धि हो जाएगी, माने यू वन प्लस ए टाऊ हो जाएगा, चूंकि श्रांति काल टाऊ है इसलिए यू प्लस ए टाऊ हो जाएगा, हम पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ए टाऊ वन हो जाएगा, इसी प्रकार से दूसरे की यू टू प्लस ए टाऊ टू और इसी प्रकार से यू एन प्लस ए टाऊ एन, एन इलेक्ट्रॉन हमने माने हैं तो यू एन प्लस ए टाऊ एन, ये इलेक्ट्रॉनों का औसत उष्मीय वेग जो था वो टक्कर के कारण बढ़कर इतना हो जाएगा। अब इनका अगर हम औसत वेग निकालें तो जो औसत वेग होता है वही अनुगमन वेग कहलाता है, माने इनका औसत वेग ही अपवाह वेग वीडी या अनुगमन वेग वीडी होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, अपवाह वेग अनुगमन वेग एक ही बात है, कल हम इसकी चर्चा कर चुके हैं इसके पहले लेक्चर में, तो U1 plus A tau1, U2 plus A tau2 and plus UN plus A tau n और अपान n, U1 plus U2, U3 plus UN और अपान n और A कॉमन हो जाएगा, tau1 tau2 plus tau n अपान n। ये जो लिखा है कल इसकी चर्चा की गई, ये औसत उष्मीय वेग लिखा है और इसका मान
जीरो होता है। और जो ये लिखा है ये औसत श्रांति काल लिखा है जिसको हम टाउ कह सकते हैं, यानी वी डी बराबर हो गया ए टाउ, वी डी बराबर ए टाउ, और ए की वैल्यू यहाँ हम फाइंड कर चुके हैं ई वी अपान एम एल, ये टाउ। तो ये अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध है, यही अनुगमन वेग या अपवाह वेग लिख सकते हैं, अपवाह वेग तथा विभवांतर में संबंध। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, आपको ये ध्यान रखना है कि हमको लिखना क्या है। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप ये समीकरण नहीं लिखेंगे, आई बराबर नहीं लिखेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ, बस आप ये प्रूफ करते चले जाएंगे और बाकी जो थ्योरी हमने बताई वो थ्योरी आपको लिखनी है। तो इस प्रकार से वी डी समानुपाती भी होता है। एक नंबर का यहाँ से भी सवाल आता है कि अनुगमन वेग विभवांतर पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो अनुगमन वेग विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, वी डी समानुपाती भी होता है। ऑनलाइन क्लासेस में प्रश्नों को हम इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को नहीं देखेंगे, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, तो आपके ये प्रश्न रह जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न बीच में ही आ सकते हैं। जब फेस टू फेस टीचिंग होती है तो उसमें आप क्वेश्चन कर भी सकते हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखेंगे तो हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याओं का निदान कर सकें। तो वी डी समानुपाती वी हुआ, यानी अनुगमन वेग विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। एक नंबर का बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग विभवांतर पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो आप लिखेंगे कि वी डी बराबर ई वी टाउ बटा एम एल से अनुगमन वेग या अपवाह वेग वी डी समानुपाती विभवांतर चालक के सिरों के बीच विभवांतर वी के अनुक्रमानुपाती होता है। यही पर सवाल आता है कि विभवांतर यानी अपवाह वेग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कैसे निर्भर करता है, तो चूंकि v बराबर आप el लिख सकते हैं यहाँ से, इसलिए जब यहाँ el लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा e कैपिटल e टाउ बटा m, यानी v डी समानुपाती e भी लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के भी अनुक्रमानुपाती। अपवाह वेग विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, अपवाह वेग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के भी अनुक्रमानुपाती होता है। ये दोनों सवाल यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं और एक नंबर में ये पूछे जा सकते हैं। और बाकी अगर अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध पूछा जाता है तो ये संबंध आप सिद्ध करेंगे। अब यहाँ पर ये आपका समीकरण एक हुआ, और इस समीकरण को हम थोड़ा परिवर्तित करेंगे, इस समीकरण को दो से क्या होगा, v बराबर वी डी एम एल बटा ई टाउ, ये हो गया आपका तीन, ये v का मान हो गया। और वहां पर हमारे पास i दिया है समीकरण एक में, v और i को भाग दे दें, यानी v बटा i निकाल लें अगर, तो वी डी एम एल अपान ई टाउ, और i का मान n e a v d, v d कैंसिल आउट हो जाएगा, एम एल बटा एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये वी बटा आई का मान हुआ। और आपका सवाल क्या था, ओम के नियम की उत्पत्ति बतानी थी, तो चूंकि एम एल बटा एन ई ए स्क्वायर एन ई स्क्वायर ए टाउ जो लिखा है इसी को हम आर कह देते हैं। क्यों कह देते हैं आर, इसकी चर्चा अभी हम करते हैं। ये एक नियतांक है, क्यों नियतांक है, क्योंकि यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले यानी ताप ना बदले तो ये सब नियत रहेगा। L और A क्या है, लंबाई और क्षेत्रफल, यानी अगर भौतिक अवस्थाएं ना बदले तो L और A नियत रहेगा। M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वो कांस्टेंट होता है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, वो भी नियत होता है। बचा क्या, N, अगर ताप ना बदले तो N और टाउ भी नहीं बदलेगा, यानी भौतिक अवस्थाएं ना बदले तो ये नियत रहेगा, और इसी को हम R कह देते हैं। यानी R बराबर हमारे पास क्या आया, R बराबर आया N E स्क्वायर ML बटा N E स्क्वायर A टाउ, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, और यही ओम्स लॉ है।
यानी यदि किसी चालक की ताप दाब तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं न बदले तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। ये ओम्स लॉ है और ओम्स लॉ किसके आधार पर हुआ, अपवाह वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति ये बताई गई। तो ये ओम के नियम की उत्पत्ति हुई अनुगमन वेग के आधार पर या अपवाह वेग के आधार पर या मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल से, तीनों प्रश्न यहाँ है। और चौथा एक प्रश्न ये भी बना विभवांतर और अपवाह वेग के संबंध, और वो हमने यहाँ आपको प्रूव कर दिया। इसमें से एक प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में आना है, आप इस दृष्टिकोण से इस लेक्चर को तैयार करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, बार बार पास करके नोट्स बनाइए अपना और चैप्टर को अच्छे से तैयार करिए ताकि जो इसके कंटेंट हैं वो आपको ठीक प्रकार से तैयार हो सके। अब यहाँ थोड़ी चर्चा एक प्रतिरोध के संबंध में करनी है हमको। यहाँ पर V बटे I बराबर आया ML बटे LE स्क्वायर A tau, और इसी को हम ओम का नियम कहते हैं। तो फिर R का मान क्या है, ML बटा LE स्क्वायर A tau, और इसको हम इतना भी लिख सकते हैं M अपान LE स्क्वायर tau और L अपान E। अब ये क्या है, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, नियत राशि है, और इसी नियत राशि को हम चालक का प्रतिरोध कह देते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कह देते हैं। इस नियत राशि को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं इसको। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, एक नई राशि आ गई विशिष्ट प्रतिरोध, ई और जे का अनुपात जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। माने किसी चालक में जब वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके किसी बिंदु पर, उस चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो बराबर ई बटा जे। ये आप निश्चित रूप से पढ़ें, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है और क्या एक ही राशि एक ही पदार्थ के लिए नियत होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की विशेषता है, पदार्थ का लाक्षणिक गुण है। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा नियत होगा, चाहे वो तांबे का तार हो, चाहे तांबे का गुटका हो या तांबे का बर्तन हो, यानी ये इसका लाक्षणिक गुण है। पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ के आकार या अन्य अवस्थाओं पर नहीं। तो रो बराबर ई बाई जे, यानी जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को हम उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा ये हो गई। अगर हम इसका मात्रक निकालें तो इसके मात्रक निकालने के पहले एक सूत्र की और बात कर लेते हैं, R बराबर E बटा रो बराबर E बटा J, और E माने होता है V बाई L और J माने होता है I अपान E। इसको हम इतना भी लिख सकते हैं V A अपान I L, और V अपान I क्या है, ये R है, V अपान I को ही हम R कहते हैं। तो R A बाई L हो जाता है रो बराबर। अब यहां से हम देखें तो R बराबर रो L बटा A आता है, एक फार्मूला ये हो गया और एक फार्मूला आपके पास ये है। इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें, इन दोनों की तुलना कर दें, तो इन दोनों की तुलना से हमको ये मिलता है कि रो बराबर क्या है, M बटा एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये आप विशेष रूप से याद रखेंगे, रो बराबर एम बटा एन ई स्क्वायर टाउ, और रो का मात्रक क्या हो जाएगा, रो का मात्रक एस आई मात्रक ओम मीटर, रो का एस आई मात्रक ओम मीटर हो जाता है। आर बराबर रो बराबर आर ए बटा एल, ओम स्क्वायर ओम मीटर स्क्वायर बटा मीटर, तो ओम मीटर बचेगा। यहां पर अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध के विमीय सूत्र की बात करें तो आर का विमीय सूत्र गुणे मीटर का विमीय सूत्र रख दें तो हमको विमीय सूत्र मिल जाएगा, यानी रो का विमीय सूत्र क्या होगा,
पहले हम ओम का विमीय सूत्र रखेंगे, और ओम का विमीय सूत्र होता है Mn2 t-3a-2, और मीटर के लिए विमीय सूत्र होता है L, तो आपका विमीय सूत्र हो जाएगा Ml3 t-3a-2। ये आपका R का विमीय सूत्र, रो का विमीय सूत्र हो जाता है Ml3 t-3a-2। तो इस प्रकार से हम विशिष्ट प्रतिरोध की चर्चा कर रहे थे। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो गया, विमीय सूत्र हो गया। विशिष्ट प्रतिरोध का मान धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व पर निर्भर करता है, क्योंकि m और e कांस्टेंट है, और m n के साथ साथ धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, माने ये पदार्थ का लाक्षणिक गुण है, पदार्थ पर निर्भर करता है और अलग अलग आकृतियों पर निर्भर नहीं करता है, माने आकृति बदलने पर इसका मान नहीं बदलेगा। अगर हम यहाँ पर एक ओम मीटर की परिभाषा देखें तो R बराबर एक हो जाए, A बराबर एक मीटर स्क्वायर हो जाए, L बराबर एक मीटर हो जाए, तो उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा एक ओम मीटर होगा। माने एक ओम मीटर की परिभाषा क्या होगी, एक मीटर लंबे एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध अगर एक मीटर एक ओम है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध एक ओम मीटर होगा। तो ये बात हुई विशिष्ट प्रतिरोध की। एक यहीं पर महत्वपूर्ण हेडिंग आती है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसी को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, और विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और सिग्मा बराबर 1/ρ हो जाता है, और मात्रक आप उसी प्रकार से लिख सकते हैं। ओम मीटर था तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। विमीय सूत्र लिखना चाहें तो m-1 l-3 t-3a-2, यानी मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और विमीय सूत्र हो जाएगा m-1 l-3 t-3। ये आपका विशिष्ट चालकता हो जाता है और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो ये निश्चित रूप से आप तैयार करेंगे, और कुछ और जो पार्ट्स बचे हुए हैं इस चैप्टर के उनकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण था, आप इसका नोट्स निश्चित रूप से तैयार करें। एक प्रूफ की चर्चा हमने की यहाँ पर, वो प्रूफ बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, तो आप उसको निश्चित रूप से तैयार करें। स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ ले पाएं। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।